इच्छुक समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग कभी कभी स्वास्थ्य के संबंध में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ कर डालते हैं। आज मैं आपके कान के बारे में बताना चाहता हूँ, कान को कैसे स्वस्थ रखें। आखिरकार ये कान ही है और आँख कान ये इतने महत्वपूर्ण अंग हैं कि अगर इनमें ज़रा भी दिक्कत आती है तो पूरा जीवन चौपट हो सकता है। आँख के बारे में तो मैंने वीडियो में बताया है कई बार, आगे भी बताऊंगा, लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि कान को स्वस्थ कैसे रखें। तो कान में प्रॉब्लम ये है आपकी कि कान जब आप इसकी सफाई करते हैं, यानी कि जैसे कोई लकड़ी से या किसी लकड़ी में आप रुई लगा करके कान में सफाई करते हैं, लोगों के अंदर एक ये भावना होती है कि कान में मैल जमा हो जाता है और वह कान का मैल निकालने की कोशिश किया करते हैं। इसको निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कान के मैल को निकालने की ज़रूरत नहीं है। असल में ये मैल नहीं होता, ये वैक्स होता है। कान में एक प्रकार की मोम बनती है जो कि स्वतः ही निर्माण होता है इस मोम का, और विशिष्ट मोम होती है। ये कान को कई रोगों से बचाती है, कान के कई रोगों को दूर रखती है और कान के पर्दे को फटने से बचाती है। इतनी बढ़िया व्यवस्था है भगवान की कि मनुष्य के क्या किसी जीव के किसी भी अंग के बारे में इतनी बढ़िया उनकी टेक्नोलॉजी है उसको बचाने की कि आप हद मान जाएंगे। अब कान में वैक्स पैदा कर दी, मोम पैदा कर दी, हम लोग उसको मैल समझ करके निकालने की कोशिश अक्सर किया करते हैं, और सबसे बड़ी बात तो मूर्खता की तब हो जाती है जब कोई बिना कुछ सोचे समझे कान में एक हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल देता है। ज़्यादातर गांव के जो नौसिखिया डॉक्टर्स होते हैं वो कान में हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल देते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड पानी की तरह ही होता है, पर उसमें कीटाणुओं को नष्ट करने का एक विशिष्ट गुण पाया जाता है और इसका प्रयोग हम लोग घाव की देखरेख के लिए करते हैं। घाव को पोंछने में रुई से वो काम में आता है, फेन बनाता है और रोगाणुओं को नष्ट करता है। लेकिन जब यही हाइड्रोजन परऑक्साइड कान में डाला जाता है तो कान के वैक्स को ये बाहर निकाल देता है, और ये कान के वैक्स को जैसे कोई भगोने में पानी उबाला जाए इस प्रकार से उबाल आती है कान से और थोड़ी बहुत वैक्स निकल जाती है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड ये आपके कान के पर्दे को भी फाड़ सकता है, इसलिए कभी भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का भूल कर भी आप इस्तेमाल न करें। और जैसे कहीं कान का मैल निकालने वाले कुछ लोग होते हैं, पेशेवर एक जाति होती है जिसको देहाती भाषा में माहूट या खुटकड़ा कहते हैं, ये गांव के लोग जानते होंगे, शहरों में तो ये नहीं पाए जाते। गांवों में एक जाति होती है, ये एक एक ये माहूट जो होता है ये कम से कम बीसियों गांवों में जा जा करके सबके कान को मैल के निकालने का इसका एक पैतृक धंधा होता है। लेकिन भाई कान का मैल क्यों निकला मैं? एक तो उसके पास जो औजार होते हैं वो खैर माहिर होता है, ये ठीक है, लेकिन इतनी वो सफाई नहीं रख सकता है, औजारों को कहीं बॉइल्ड नहीं करता, उबालता नहीं,
इसलिए उनमें एक दूसरे के कीटाणु जा सकते हैं, कान में इन्फेक्शन हो सकता है। तो कोशिश करें कि ये सब काम ना करावें। अब जब कभी कान में इतनी ज़्यादा वैक्स जमा हो जाए कि निकालना ज़रूरी हो जाए, उसकी वजह से सुनाई कम पड़ना शुरू हो जाए, वैक्स निकालना ज़रूरी हो जाए, तभी वैक्स निकालें। और रुई लगी हुई लकड़ी से ही निकालें। माचिस की तीली का प्रयोग तो बिल्कुल ना करें, अगर उसको करें तो चारों तरफ रुई लपेट लें, क्योंकि माचिस की तीली में रसायन होता है, फास्फोरस वगैरह होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया करके कान को हमेशा के लिए रोगी बना सकता है। तो ध्यान रखें जरा, इसको इसका प्रयोग ना करें। तो एक छोटी सी सावधानी आपके जीवन को बचा सकती है। अगर आप कान में हाइड्रोजन परऑक्साइड डलवा लेते हैं किसी कारण से, तो आप ये समझ लें कि आप अपने शरीर से खेल रहे हैं। क्योंकि देखिए, कान का, आँख का, नाक का और मुंह का, ये सब एक ही सुर होता है। अगर कोई चीज़ आप आँख में डालते हैं, कोई दवा, तो उसका स्वाद थोड़ी देर में आपके मुंह में आ जाता है, और नासा छिद्र में नाक में डालते हैं तो भी वो मुंह में भी आ जाता है, कान में भी पहुंचता है और आँखों तक उसका असर जाता है। इसीलिए जब आप कोई वसा की चीज़ खाते हैं, तैली चीज़ खाते हैं, तेल की या घी की, इस प्रकार की, तो आपके आँखों में धुंधलापन हल्का सा आ जाता है, क्योंकि वो चीज़ आँखों के पास चली जाती है। यद्यपि देखा जाता है, ये ऐसे सूक्ष्म क्षेत्र वहाँ से सब जगहें होती हैं, देखने में नहीं लगता कि ये सब एक इनका जॉइंट होगा। इसीलिए एक डॉक्टर होता है, एक विभाग होता है, ENT, आई, नोज एंड थ्रोट, यानी कि वो आँख, कान, गला, नाक वगैरह सब का वो स्पेशलिस्ट होता है, आप जानते होंगे उनको। तो वो, उनकी सलाह आप ले सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आँख का, अपने कान का, अपने गले का, अपनी नाक का, इन सब का बहुत ध्यान रखें। अगर इसका ध्यान आप नहीं रखते हैं तो शरीर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, और शरीर को बचाना सबसे पहला धर्म है। तो अगर आप कान का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, अब देखिए, जैसे कान में कहीं दर्द है या कोई बात है, तो कोई जो आप जो आँख में ड्राप डालते हैं, जो ड्राप आप कान में डालेंगे, लगभग एक होते हैं, यानी कि जो आँख में ड्राप डाला जा सकता है वही ड्राप आप नाक में डाल सकते हैं, वही ड्राप आप अपने कान में डाल सकते हैं। ऐसी समस्या जब हो तो उस ड्राप का आप इस्तेमाल करें तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। अपने शरीर का ख्याल रखें और इन दवाइयों को उपयोग करें। हाँ, कान में अगर दर्द होता है तो सुदर्शन नामक एक पौधा होता है, सुदर्शन मैंने एक बार दिया हुआ है वीडियो में, देख लेना वहाँ से। और सुदर्शन का रस निकाल करके उसको कानों में आप डाल सकते हैं। मित्रों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं YouTube पर, और हमने एक चैनल बना रखा है खबरी ऐप पर भी, तो वहाँ भी आप जा करके सुख समृद्धि विज्ञान के चैनल के नाम से ही फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो YouTube में करना होता है, तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और इतना है
कि हमारे जो कंटेंट हैं, हमारा जो मैटर होता है, वो यूट्यूब पर अलग होता है इसलिए, और खबरी पर अलग होता है इसलिए, खबरी चैनल पर अगर आप जो कुछ सुनेंगे तो यूट्यूब पर अलग होगा। तो दोनों को अलग अलग देखना ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय अध्यात्म विज्ञान, जय स्वास्थ्य विज्ञान, जय धन्वंतरी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।